नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देखिए, बात रिसर्च जांच परख और दवा की बिल्कुल नहीं है, बल्कि मामला दावों पर उतर आया है। यानी जब लोग यह उम्मीद लगा रहे हैं कि स्थिति को संभालने के लिए विकसित और बड़े मुल्क कोई समाधान निकालेंगे, तब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हालात को और अधिक जटिल बना रहा है। 10 अरब से ज्यादा की घबराई हुई आबादी को सारा देने के बजाय चीन और अमेरिका जैसे मुल्क आपस में ही उलझ गए हैं। चीन का यह कहना कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, कम से कम चीन के मित्र देशों को ही हजम नहीं हो रहा है। बाकी दुनिया को यही लगता है कि चीन की महत्वाकांक्षा और उसकी विस्तारवादी नीति का खामियाजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है। दिसंबर 2019 से इस रोग की शुरुआत चीन से हुई थी। जिस डॉक्टर ने इसका सबसे पहले रहस्य उद्घाटन किया था, वह आज ऊपर पहुंच चुका है। मगर उसके बाद चीन और अन्य देशों में जो हालात बने, वे आज बेहद गंभीर हो चुके हैं। इतने की मानव जाति एक बड़े संकट की तरफ जाती दिख रही है। अगर आरोप प्रत्यारोप में उलझे तो पृथ्वी एक बार फिर जीवन रहित हो सकती है। सरकारें जानती है कि मामला बहुत ही संवेदनशील है, पर इसे सरलता से प्रस्तुत किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि दिसंबर 2019 में मामले सामने आते हैं, चीन पूरी दुनिया से उन्हें छुपाने की कोशिश करता दिखता है। मजे की बात यह है कि चीन सबसे पहले जांच किट तैयार कर देता है। उसके बाद चीन यह भी दावा करता है कि उसे इलाज में सफलता मिल रही है। उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि मामले जब पूरी दुनिया में तेजी से फैलते हैं, तो चीन में एकाएक कमी आनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर अमेरिका ने यह मसला उत्पन्न किया था, फिर वहां पर मामले बढ़ते क्यों जा रहे हैं? ऐसी समस्या पैदा करने वाला उसका निदान भी पहले ही खोजकर रखता है। आमतौर पर दवाई कंपनियां इस नियम का ही पालन करती है, पहले रोग फैलाओ, फिर उसकी दवाई बाजार में उतार कर पैसा बनाओ। यूं भी पिछले कुछ समय से चीन की दवाई कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में संघर्ष का सामना कर रही है। भारत की सन फार्मा ने चीनी दवाई कंपनियों को बड़ी टक्कर दे रखी है। ऐसे में सरकारी तंत्र और चीनी दवा कंपनियों की मिलीभगत की आशंका कुछ गलत भी नहीं है। अब चीन अगर अमेरिका पर दोष मढ़कर खुद पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो यह कहीं ना कहीं उसकी चालबाजी प्रतीत होती है। चीन स्वस्थ हो रहा है और पूरी दुनिया खास रही है। सवाल जरूर उठ रहे हैं कि ईरान, इटली, अमेरिका तक बढ़ते मामलों को क्यों नहीं रोक पाया जा सका है? चीन को अचानक क्या मिला जो वहां सब कुछ ठीक हो रहा है? दरअसल इस बात में कभी संदेह होगा कि यह सब चीन का किया धरा है। वुहान की फिश मार्केट से 16 किलोमीटर दूर सरकारी लैब में इसे तैयार किया गया। इस लैब का नाम WHDC यानी वुहान सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल है। इसी लैब में 605 चमगादड़ भी शामिल थे, जिन्हें इसी उद्देश्य के लिए लैब में रखा गया था। चीन इसके द्वारा किसी भी देश से संघर्ष की स्थिति में प्रयोग करने की मंशा पर काम कर रहा था, ताकि प्रोक्स संघर्ष में प्रतिद्वंदी को घुटनों पर लाया जा सके। कहने वाले तो यही कहते हैं, चीन के इस प्रयोग का निशाना अमेरिका और भारत दोनों को बनना था, मगर यह चीन का दुर्भाग्य रहा कि वह लैब में ही लीक हो गया और दूसरों को धक्का देने से पहले वह खुद ही गड्ढे में जा गिरा। बड़ी बात यह है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी इस बात से वाकिफ थी कि चीन WHDC में चमगादड़ों पर कोई गंभीर प्रयोग कर रहा है। वह प्रयोग क्या था, उसका भांडा अब जाकर फूटा है। गौरतलब यह भी है कि साल 2017 में ही चीन में इस रोग की सुगबाट फैली थी, जिसे चीन ने चालाकी से दबा दिया था और उसे SARS का नाम देकर मामला रफा दफा कर दिया गया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है, यह भी आने वाले वक्त में सामने आ ही जाएगा। अब जिन लोगों को चीन के प्रति सहानुभूति जाग रही है, उन्हें जरूर उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। खासकर भारत को लेकर चीन का नजरिया शत्रुतापूर्ण रहा है। वह भारत और अमेरिका के लिए ऐसे हथकंडे तलाश रहा है, जिससे इन्हें हाशिए पर करके दुनिया पर उसका एक क्षेत्राधिकार स्थापित हो सके। यह प्रयोग भी उसी कड़ी का एक नतीजा है और संभवतः इसका निशाना भारत और अमेरिका को ही बनाया जाना था। अगर चीन ऐसा करने में कामयाब हो जाता, तो आज भारत की साल में होता उसकी कल्पना से ही सिरन दौड़ जाती है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था अभी सैसव काल में है। चीन के मुकाबले भारत की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ढीली है। संभवतः इस मुश्किल को भारत झेल नहीं पाता और चीन से लगभग 50 साल पीछे खिसक जाता, पर कुदरत न्याय करती है। आज चीन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर खुद ही भारत से पीछे जा रहा है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।